चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से। इस वक्त मिली है जिला पंचायत चुनाव में जीती कांग्रेस। कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार डोमेश्वरी वर्मा ने जीत दर्ज की है। डोमेश्वरी को 12, बीजेपी उम्मीदवार ललिता वर्मा को 4 वोट मिले हैं। डोमेश्वरी वर्मा रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत तो हेमंत, 27 जिला पंचायतों में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जा रहे हैं, और जिस तरह से हम बात करें तो डोमेश्वरी भी जो कांग्रेस समर्थित हैं वो भी जीत गई हैं। लगातार कांग्रेस का परचम अब बरकरार होता नजर आ रहा है। हाँ, देखिए रास्ता जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चुनाव प्रक्रिया है वो 11 बजे से शुरू हुई थी, और अलग अलग जिलों से जो नतीजे हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कांग्रेस के लिए खुश करने वाले नतीजे हैं वो रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष है, जहां पर रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की जो अधिकृत प्रत्याशी थी कांग्रेस की डोमेश्वरी वर्मा, उन्होंने जीत हासिल की है। 12 वोट उनको मिले हैं, और इसके अलावा जो भाजपा की उम्मीदवार थी ललिता कृष्णा वर्मा, उनको 4 ही वोट मिले, जबकि भाजपा ने 7 वोट मिलने का दावा किया था। लेकिन निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई, और जो भाजपा के समर्थित जो सदस्य हैं उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वहां पर वोट कर दिया। विकास उपाध्याय आपके साथ हैं हेमंत, विकास उपाध्याय आपके साथ हैं, रायपुर से विधायक भी हैं। हम चाहेंगे कि उनके साथ चर्चा कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि लगातार विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम लोकसभा चुनाव को अगर इतर रख देते हैं तो जो जीत सीढ़ी दर सीढ़ी मिल रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं। देखिए लगातार कांग्रेस की जो जीत हो रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार का कामकाज है वो प्रभावी दिख रहा है। हमारे साथ विधायक विकास उपाध्याय, उनसे जानते हैं। नगर निगम के बाद जनपद पंचायत और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत लगातार कब्जा आप लोगों का हो रहा है, क्या ऐसी चीज हो रही है और क्या ऐसा आप लोगों ने काम किया है लगातार चुनाव में जीत दर्ज आप लोगों को हो रही है? देखिए पिछले 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ में कांग्रेस की बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और एक साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किए वो जनता को प्रभावित करने वाले काम है। इसीलिए दूसरे जिला पंचायत सदस्य भी प्रभावित होकर, दूसरे निगम के पार्षद भी प्रभावित होकर, जनपद सदस्य प्रभावित होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विकास के नाम पर सब लोग एक साथ आना चाहते हैं, जो 15 साल से नहीं दिखा। एक साल में लोगों को उम्मीद बनी है, छत्तीसगढ़ बने 19 साल हो गया, लेकिन 19 साल में अब लोगों को जाकर ये लगा है कि छत्तीसगढ़ बनने के मायने क्या होते हैं, और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को फायदा उनके उनके विकास के लिए सोचने का, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे हर प्रकार की चीजों को, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की थीम है, और वो थीम यहाँ की संस्कृति, यहाँ के व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने की है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए, ये तमाम वो चीजें जिसके कारण लोग हमारी पार्टी से प्रभावित होकर हमारे प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। विकास जी, रायपुर की जो सीट थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राजधानी रायपुर है और सीट को जितना एक चुनौती आप लोगों के लिए थी, लेकिन भाजपा 7 जो वोट है वो पाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उनको 4 ही मिले, क्रॉस वोटिंग उधर से हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो काम 15 साल करती रही है वो सोचती है उसी पर सब लोग काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस के काम पर लोगों ने आस्था दिखाई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो पूरे साल भर में जो काम हुए, हमारे जो मंत्री ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, या इसके पहले भी जिला पंचायत में शारदा वर्मा जी अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लोगों को इस बात का विश्वास हो चुका है। मैं चाहूंगी कि विकास उपाध्याय से आप ये सवाल कीजिए कि अगर ये तमाम चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते तो क्या वाकई में इसी तरह की जीत दर्ज की जाती जिस तरह की जीत दर्ज अभी की जा रही है? हमारे लोग चुनकर आ रहे हैं। अजय, निश्चित तौर पर वो जानने की कोशिश हम करेंगे। ये जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष प्रणाली से आप लोगों ने कराया, लगातार भाजपा सवाल उठाती रही कि अगर अध्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता तो कांग्रेस का सफाया जरूर नगर निगम में होता, इसके अलावा जो पंचायत और जिला पंचायत के चुने हैं उसमें भी बुरी शिकस्त यहाँ पर कांग्रेस को झेलनी पड़ती है, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए इसके पहले भी 50% से ज्यादा नगर निगमों में कांग्रेस की परिषद में कांग्रेस के परिषद के लोग बने हैं,
महापौर सभापति से लेकर कांग्रेस के लोग बने। अब जब आप प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ, ये सबका फैसला था कि जो जनप्रतिनिधि वार्ड से या पंचायत क्षेत्र से चुनकर आता है उन्हीं उन्हीं के माध्यम से कोई चुनकर आए, कोई सदस्य चुनकर आएगा तो वो वहाँ के जमीनी स्तर के काम को बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरीके से समझता है। इसी मंशा को लेकर इस प्रकार के चुनाव को कराया गया। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले बार भी रायपुर नगर निगम में हम लोग जीते थे, पिछले बार भी जिला पंचायत को हम लोग जीते थे जब हमारी सरकार नहीं थी, और आज जब हम 10 के 10 नगर निगमों में हमारी परिषद के अध्यक्ष और महापौर हैं, उसके बाद जिला पंचायत में भी आपने देखा होगा, जनपद में भी आपने देखा होगा, कुल मिला के मान लिया जाए कि जो विकास छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है वो चौतरफा विकास होता रहेगा और विकास नहीं रुकेगा, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शायद हमें प्रदेश में अब देखने को ना मिले कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि राज्य में जिस तरह से जो विकास होने रहते हैं वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, और शायद उसी का ही नतीजा ये है कि रिजल्ट चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो फिर चाहे पंचायत चुनाव हो वो रिजल्ट मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विकास उपाध्याय का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए बातचीत के लिए। तो जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की डोमेश्वरी वर्मा रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो जिला पंचायत चुनाव में जीती हैं कांग्रेस की उम्मीदवार। आपको ये भी जानकारी दे दें कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है, 12 वोट यहाँ पे डोमेश्वरी वर्मा को मिले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री